आज दिल्ली संगीत और नाटक एकाडेमी आनुकूल्य रायरंगपुर छौ नृत्य प्रतिष्ठान और तीरी ब्लक रेंगल बेड़ा ठारे दुईट छौ तालीम प्रशिक्षण केन्द्र उद्घाटित तो जल संपद और आदिवासी कल्याण मंत्री इंजीनियर विश्वेश्वर टुडु यहाँ उद्घाटन करेक सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुषित होता। बहुत दिन प्रयास मयूरभंजर जो विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य से विषय आम अनेक जगार केवल शुणी किंतु वास्तव में यार केमती भविष्य अर्थात यही मयूरभंज अनेक कलाकार अच्छा तांकर कैरियर केमती बनब से मैंने सारा विश्व केमती मानने नाम करें जापर से ही कथाटा को वास्तव रूप देवाई 2019 मसीह पर गोटे प्रयास जारी थिला। आज से फलस्वरूप मयूरभंज में 5-5 ट्रेनिंग सेंटर आम भारत सरकार मोदीजी आशीर्वाद कारण संभव होती। आमर बामनघाटी छौ नृत्य प्रतिष्ठान संगीत नाटक एकाडेमी दिल्ली आनुकूल्य आमर ट्रेनिंग सेंटर उन्मोचित है। आमर जो मंत्री अच्छा भारत मंत्रिमंडल इंजीनियर श्रीजुक्त विश्वेश्वर टुडु महोदय उद्घाटन कले सहित दिल्ली आमर संगीत नाटक एकाडेमी चेयरमैन महोदय संध्या मैडम एवं अन्यान्य कर्मकर्ता यही कार्यक्रम आम अंचलवासी समस्त सहयोग थी समस्त को धन्यवाद दूची। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये अच्छे अपने गांव के माहौल में जहां पे गुरु शिष्य परंपरा की एक छौ नृत्य के लिए पहल शुरू की गई है। महामंत्री जी ने कहा था कि हम खुद जाके वहाँ गांव में जाके उन लोगों से मिल के उनको ये गुरु शिष्य परंपरा का पदार्पण करेंगे। तो ये नृत्य शैली छाऊ नृत्य शैली ICH में यूनेस्को से हेरिटेज है और हमारे गांव-गांव के आदिवासी आज उसमें बहुत ही नृत्य गायन संगीत में भाग ले रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी भी उसको उससे जुड़े इसके लिए ये गुरु शिष्य परंपरा जो संगीत नाटक अकादमी सालों से शुरू है और वो गांव-गांव के गुरुओं तक जाए गांव-गांव के शिष्यों तक पहुंचे इसलिए एक नवीनतम एक अनूठा प्रयत्न है। बामनघाटी छौ संपादक दुष्मंत बसा मंत्री तांक अभिभाषण रे बामनघाटीर छौ कलार उन्नति पई यहां सहायक हेबो बोली कहिथिले। छौ कलाकारक बहु दिनर स्वप्न पूर्ण होइथिबारु स्थानीय लोके खुशी व्यक्त करथिले। उक्त सभा बहु कलाकार छौ गुरु कलाप्रेमी जनसाधारण उपस्थित थे। रायरंगपुर रामेश्वर कुमार अग्रवाल रिपोर्ट सूचना टीवी।